कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन को 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो किए जाने का ऐलान किया, तो इससे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के चेहरे खिल गए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रावदान सिंह ने कहा कि चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के इस फैसले से बड़ा फायदा मिलेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भिवानी शहर के वोटर्स के बीच इस वक्त बने हुए रावदान सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुझे बताइए कि लगातार मैं सवाल हर रोज ही आपसे सामने रख रहा था कि स्टार प्रचारक आखिर कौन आने जा रहे हैं। अब वो तय हो चुका है कि कौन कौन से स्टार्स भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करेंगे। देखो, सबसे बड़े तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जो 22 तारीख को 10 बजे दादरी पधारेंगे। दूसरा सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वो 1 बजे 19 तारीख को नांगल चौधरी में पधारेंगे। 12:30 बजे का टाइम है शायद, बेसिकली 12:30 12:30 बजे हम नांगल चौधरी में पधारेंगे। और सचिन अपने दीपेंद्र जी, ये जूई और बैल इसके अंदर आएंगे, तो ये तो अभी आया है। और जिसकी जो आता एक वो CLP लीडर हमारे टीकाराम जूली जी, वो आ रहे हैं उनके साथ। इसके साथ और भी जो दो चार आ रहे हैं, तो समय समय पर हम बताते रहेंगे, अब लगातार यही चलता रहेगा। चुनावी मैदान में बहुत शोर इस बात का सुनने को मिलता था कि 5 किलो मुफ्त राशन गरीबों को मिलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह चुके हैं कि अगर 5 किलो मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन 10 किलो देगा। बिल्कुल 10 किलो देगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप हम उसको कमी नहीं छोड़ेंगे और इस बात को सीमित नहीं करेंगे। हम 10 किलो दे करके भी हम उनके अच्छे भलाई के लिए बातें सोचेंगे, जो कुछ और अच्छा कर सकते हैं उनके लिए करने का प्रयास करेंगे। 10 किलो राशन देने का यह फैसला, चुनाव मैदान में इस फैसले का कितना असर आप मान रहे हैं? बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। एक गरीब को तो जब दो वक्त के इत्मीनान से रोटी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात नहीं कोई। रोजगार की गारंटी का मामला लगातार कांग्रेस पहले ही उठा रही है। रोजगार का उठाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। आम आदमी आप देखेंगे, युवक रोड से पिलर टू पोस्ट घूमते रहते हैं, बेचारा को नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा, उनका भविष्य क्या है? तो इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ी है, महंगाई उसके बाद है, फिर उसके बाद MSP है, उसके बाद में ये आदमी जो आते हैं विकास की बातें वो बाद में आएगी, अग्निवीर की बात हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न करने वाली। चलिए, टोटली से बातचीत के लिए शुक्रिया। रावधान सिंह ये कहने की कोशिश करें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, चुनाव मैदान में अच्छा खासा समर्थन उन्हें मिल रहा है और गरीबी को लेकर जो 10 किलो राशन का जो ऐलान यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया वो बेहद फायदेमंद चुनाव मैदान में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए होने जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, भिवानी।